रक्षाबंधन के दिन यानी 19 अगस्त को शिमला के एमएलए क्रॉसिंग में एक भयानक हादसा पेश आया। भयानक हादसे में बात की जाए तो यहाँ पर ये सड़क पर भूस्खलन देखने को मिला और भूस्खलन इतना भयानक था कि दो सड़कें पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। इस समय हमारी मौजूदगी एमएलए क्रॉसिंग में है और हमारे पीछे आप बिल्कुल देख सकते हैं कि किस तरह से जो जेसीबी के माध्यम से सड़क को दुरुस्त करने का कार्य चल रहा है। उम्मीद ये है कि आने वाले दो दिनों के अंदर अंदर इस सड़क को जो है वो फिर से ठीक कर दिया जाएगा और जिस तरह से कार्य चल रहा है उसके बारे में जरूर हम यहाँ पर तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि जेसीबी के माध्यम से सड़क को फिर से ठीक करने का जो कार्य है वो चल रहा है। आपको बता दें कि 19 अगस्त को यहाँ पर पहली बार भूस्खलन हुआ और इसके बाद 20 अगस्त की रात करीब 10 बजे यहाँ पर एक बार फिर भारी भूस्खलन हुआ, जिसमें आप ऊपर जो ये मलबा देख पा रहे हैं ये एक रेन शेल्टर ऊपर वाली सड़क में हुआ करता था, ये पूरी तरह से ध्वस्त हो गया और ये भी मलबे का शिकार हो गया। इसके साथ ही एक और रेन शेल्टर जिसकी एक छोटी सी छत हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, वो रेन शेल्टर भी यहाँ पर हुआ करता था नीचे वाली सड़क में और उस मलबे के कारण पेड़ गिरे। ये जो पेड़ हम स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे हैं वो पेड़ गिरा और पेड़ की वजह से ये पूरा रेन शेल्टर भी ध्वस्त हो गया। ये सड़क पूरे करीब एक हफ्ते का समय हो चुका है, उस एक हफ्ते के समय से ये सड़क अभी तक बंद है और अगर बात की जाए तो संभावित है कि आने वाले एक से दो दिनों के अंदर इस सड़क को वाहनों के लिए दुरुस्त कर दिया जाएगा। सरकार ने भी इस कार्य को पूरी तरह से जल्द इसको पूरा करने के आदेश यहाँ पर दिए हैं। जैसा कि फोन के माध्यम से हमारी जो एक्सीएम है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है पीडब्ल्यूडी के, उनसे बातचीत हुई है तो उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि 29 अगस्त यानी परसों तक इस सड़क को पूरी तरह से बहाल कर दिया जाए। अभी भी अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जेसीबी के माध्यम से और अन्य जो लोग हैं यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, पीडब्ल्यूडी के माध्यम से ये जो कार्य है उसको किया जा रहा है और जल्द उम्मीद है कि लोगों को इसकी सुविधा एक बार फिर से मिलेगी और यहाँ से एक बार फिर जो वाहन है उनकी आवाजाही हो पाएगी। बता दें कि शिमला में भूस्खलन का जो सिलसिला है वो इस मानसून में भी जारी रहा है। जैसा बालूगंज में सबसे भयानक यहाँ पर ये एक भूस्खलन है वो देखने को मिला है, इसके अलावा मल्याणा और संजौली या इसके अलावा अन्य जो क्षेत्र हैं वहाँ पर भी भूस्खलन जो है वो देखने को मिले हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो सबसे जो भयानक भूस्खलन इस वर्ष देखने को मिला वो यही था और जिसके कारण ये जो ऊपर आप स्क्रीन पर तस्वीरें देख पा रहे हैं ये वाली सड़क भी यहाँ पर ध्वस्त हो गई जो बालूगंज से चौड़ा मैदान और एडवांस सिटी की ओर जाया करती थी। ये जो मुख्य मार्ग से जाने वाली सड़क है ये बालूगंज समर हिल आगे जाकर ये टुट्टू चक्कर को भी यहाँ से जोड़ती है और ये मुख्य मार्ग है जिसकी तस्वीरें हम आप सभी को यहाँ पर दिखा रहे हैं। इस मुख्य मार्ग से होती हुई ये सड़क, इस सड़क से रोजाना यूनिवर्सिटी के छात्र, रोजाना गांव के लोग आवाजाही करते हैं लेकिन इस समय लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। छात्रों की जो बसें हैं उन्हें घूम कर जाना पड़ रहा है। ये एक गनीमत है कि यहाँ पर वैकल्पिक मार्ग है जिसकी वजह से जो ये क्षेत्र है वो पूरी तरह से कटा नहीं है, लेकिन अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है और मुश्किलों के सामने के साथ एक लंबा रूट लेकर अपने गंतव्य तक पहुंचना पड़ रहा है। चाहे वो विश्वविद्यालय के छात्र हैं जो बसों में लंबा रूट लेकर कई बार छात्र लेट भी हो जाते हैं अपनी क्लासेस के लिए और इसके साथ ही जब वापस आना हो या तो पैदल आपको निकलना पड़ेगा ऊपर वाली सड़क से, ठंडी सड़क से, या फिर आपको बस का सहारा अगर लेना है तो आपको लंबे मार्ग से होकर अपने गंतव्य तक पहुँचना पड़ेगा। तो कई गाँव विश्वविद्यालय वो यहाँ से इस मार्ग से होकर जाया जाता है लेकिन फिलहाल वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल किया जा रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि एक से दो दिन के अंदर ये जो मार्ग है वो पूरी तरह से बहाल हो जाए। जिस तरह से लोक निर्माण विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का कहना है, उन्होंने कहा है कि परसों तक यानी 29 अगस्त तक ये मार्ग एक बार फिर से बहाल हो जाएगा। आगे की अपडेट रहेगी, आपको जानकारी देते रहेंगे। पंकज सिंह, लोकल 18 शिमला।